हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पे आपको बहुत बहुत स्वागत है गाइज। आज का जो अपना वीडियो कंटेंट है, आज का वीडियो कंटेंट में आप लोगों को पता चलने वाला है कि जेसीबी से जो घर का जो कुर्सी का जो भराई होता है किस तरीके से भरना चाहिए, किस तरीके से मशीन लगाओगे तो जो घर का जो मिट्टी जो कुर्सी में डालना रहता है कैसे आप डाल पाओगे। आज का वीडियो कंटेंट यही है। और कहीं पर अगर बड़ा सा अगर पिलर है, जगह जगह पे पिलर है, किस तरीके से उसके बीच में लोडर मारना चाहिए, इसके ऊपर आज का वीडियो कंटेंट है। तो यह वीडियो केवल हेल्पर भाई और नए ऑपरेटर के लिए है। तो गाइज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच कीजिएगा। गाइज यह वीडियो देखने से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेंगे, और कितना सीख मिलेगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज आज का वीडियो कंटेंट में यही सब होने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइज अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि गाइज फेसबुक पेज पर भी आप लोगों को जेसीबी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। गाइज एक चीज़ मैं और आप लोगों से शेयर कर दूँ, अगर आप लोग हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा पेटीएम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से कुछ डोनेट कर सकते हो। तो गाइज वीडियो में ना टाइम लेते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो, पहले मशीन को आगे कर लेते हैं। जैसे ही मशीन आगे किया, उसका सेंटर में लगाना पड़ता है जहाँ पे कुर्सी होता है घर का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग इसे कुर्सी ही बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से मशीन को लगाना है, और लोडर पे टाइट करके स्टेबलाइजर पे अच्छे तरीके से लगाना है ताकि मशीन साइड में फंसे ना, नहीं तो ऐसे में क्या होता है जैसे में दीवार टूटने का डर रहता है। देख सकते हो कितना आराम से इसको भरा जाता है। अब यहाँ से फिर से पिलर का जो रड था, इसके वजह से आराम आराम से यहाँ पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो गाइज, थोड़ा ध्यान से देखना, कैमरा जो है बिल्कुल हिल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से वीडियो शूट हो। तो आप देख सकते हो इसको ऐसे आराम से डाल दिए मिट्टी, और इसको आराम से निकाले, क्योंकि गाइज साइड में रड है, उसमें अगर हल्का भी लग जाएगा तो आपका जो है जो घर का जो दीवार है वो टूटने का डर रहता है। तो इसको बहुत ही आराम आराम से कुर्सी को भराई किया जाता है। तो आप यहां से देख सकते हो गाइज। और गाइज मैं आप लोगों से एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप नए ऑपरेटर हो, नए नए मशीन पे गए हो चांस मारने के लिए, तो यह काम पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, और अच्छा रहता है फोकस करने से, क्योंकि गाइज आप लोगों को उससे ज़्यादा नॉलेज ही मिलेंगे। अगर देख सकते हो इस तरीके से उठाए, उसके बाद बकेट खोल दिए, उसके बाद बूम उठाए, उसके बाद डीपर डाउन किए, उसके बाद बकेट को थोड़ा खोले और आराम से दोनों लीवर को खींच करके डीपर और बूम को एक साथ खींचोगे तो आपको मैं बता दूं गाइज, लीवर जो होता है दोनों, जो बूम वाले जो फंक्शन का लीवर रहता है वो और डीपर वाले फंक्शन, दोनों को एक साथ दबाओगे तो ऐसे लेवल में खींचेगा। उसके बाद बकेट को बंद कर लेना है तो मिट्टी आपको भर जाएंगे। उसके बाद डीपर को उठाएंगे, उसके बाद ऐसे स्विंग करके आपको इस कुर्सी के अंदर डालना है। तो देख सकते हो गाइज इसी तरीके से भरना चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस वीडियो से ज़्यादा नॉलेज मिले और आप लोग भी कर सको। तो गाइज आप यहाँ से देख सकते हो किस तरीके से इसी तरीके से मतलब कुर्सी को भराई किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान से देखो गाइज, आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से समझ जाओगे, सीख जाओगे। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो बूम चलाने का तरीका और किस तरीके से बूम को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इसमें डाले, उसके बाद इसी तरीक़ा से गाइज आप लोगों से मैं बता दूं कि फिर से बकेट लगाए और दोनों लीवर को एक साथ खींचे तो लेवल में खींच रहे हैं मिट्टी, और उसके बाद बकेट पर ध्यान देना गाइज, बकेट को बंद कर लेना है, मिट्टी भर गया, उसके बाद डीपर उठाए, उसके बाद स्विंग किए, स्विंग करने के बाद इसमें ऐसे डाल दिए। गाइज इसी तरीके से भरना चाहिए। तो गाइज आप लोगों से मैं एक चीज़ और शेयर कर दूं, अगर आप लोग अगर कहीं पे अगर घर का कुर्सी का भराई करने के लिए जाते हो तो किस तरीके से भरना चाहिए, कैसे मशीन लगाना चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो में बताया हूँ। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहीं पे अगर घर का फाउंडेशन का जो कुर्सी का जो भराई करना रहता है मिट्टी डाल करके, तो वहाँ पे मशीन सेफली लगाया जाता है, ताकि गाइज मैं आपको बता दूँ
किस तरीके से लगाया जाता है, बिल्कुल दीवार के सटा करके, यानी कि 1-2 फीट हटा करके लगाया जाता है मशीन, और उसके बाद बगल में मिट्टी रहता है उसको कटिंग करके बहुत ही आराम से डालना रहता है, क्योंकि गाइज पिलर रहता है उसमें, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गाइज अगर अगर मशीन अगर आप ढंग से नहीं लगाते हो तो क्या होगा गाइज, अगर मशीन अगर एक तरफ अगर दब भी गया तो दीवार रहता है, पिलर रहता है, उसमें लगने का डर रहता है। तो जब भी आप लोग कुर्सी का काम करने जाएं, जो घर का कुर्सी का जो मिट्टी भरना रहता है, जब भी आप काम करने जाएं बिल्कुल सेफ तरीक़ा से काम करें, और बिल्कुल भेजा लगा के करें, बिल्कुल दिमाग लगा के करें, तो आप लोग सक्सेस हो जाओगे। तो गाइज और देखिए वीडियो, तो गाइज ये आप यहाँ से देख सकते हो, पहले बकेट से जो है मिट्टी को आराम आराम से कोर करके, यानी कि जो भी मिट्टी है उसको ढीले कर देते हैं थोड़ा सा उठा उठा के, और उसके बाद क्या होता है गाइज, तो उसके बाद जो बूम जो है उससे बूम का बकेट से उसको लेवल कैसे किया जाता है देख सकते हो, स्विंग करके लेवल इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो गाइज यह वीडियो सबसे क्या होता है गाइज, यह जो मैं वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ देख सकते हो किस तरीके से बूम को पटका जाता है, बूम बकेट से मिट्टी को कैसे जांच जांच के पटक पटक के काम किया जाता है। यह वीडियो डालने का मतलब यही होता है गाइज कि मतलब कभी भी अगर आप अगर काम करने के लिए कहीं पे जाते हो तो यह वीडियो अगर देखे रहोगे तो आप लोगों को भी पता रहेगा। तो देख सकते हो गाइज किस तरीके से मशीन को आगे किए, उसके बाद स्टेबलाइजर उठाए और फॉरवर्ड गियर को आगे करके मशीन को आगे लेके जा रहे हैं, चाहते तो बूम से भी धक्का दे करके जा सकते हैं। देख लो लोडर लगाए, उसके बाद स्टेबलाइजर टाइट किए, उसके बाद देख सकते हो गाइज ऐसे इस तरीके से बूम को फैला लेना है। बूम फैलाने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल लेवल पे खींचना है, और लेवल पे खींचने के बाद गाइज बीच में रख के लेवल को लेवल किया जाता है, मिट्टी को लेवल करना है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो इसी तरीके से लेवल करना चाहिए, देख सकते हो बकेट को आधे तक मोड़े, उसके बाद स्विंग किए और आगे भी दिखकर इसी तरीके से धक्का दिया जाता है। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अगर बूम से मिट्टी को कैसे ठोके, यानी कि जो बकेट होता है उसको लेवल पे रख के बूम को कैसे पटके, इसके बारे में नहीं पता है तो आप लोग मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हो कि मिट्टी को कैसे ठोकना चाहिए, वीडियो का नाम है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए नॉलेजबल वीडियो। तो आप यहाँ से देख सकते हो गाइज बिल्कुल कितना उस तरफ जो पिलर के बीच में जो मिट्टी जो है ऊंचा वाला उसको बिल्कुल लेवल पे ला रहे हैं, और लेवल पे लाने के बाद गाइज बूम से बूम का बकेट जो होता है, जो बूम है और बकेट है उससे लेवल किस तरीके से किया जाता है। तो जहाँ पे कटा है गाइज इसी तरीके से स्विंग करना होता है, मिट्टी के आगे रख करके स्विंग करोगे तो बिल्कुल लेवल से जो है मिट्टी जो है नाचता रहेगा, लेवल से मिट्टी जो है गाइज अपना जगह पर आता रहेगा, और आपको बिल्कुल इसी में दिमाग लगाना रहता है। तो गाइज अक्सर जो नए नए जो ऑपरेटर होते हैं, नए नए जो हेल्पर भाई होते हैं, अक्सर ऐसे ऐसे कामों में फेल हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो गाइज यह वीडियो डालने का मतलब यही था, ठीक है। तो और देखिए गाइज और दिखाते हैं थोड़ा, तो अब देख सकते हो बिल्कुल लोडर उठाए, बूम मोड़ लिए हैं, उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं लोडर से थोड़ा दबा करके, अगर दब जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। और लोडर मारने से क्या होता है गाइज, जब भी आप बूम जो अगर चलाते हो और लोडर से क्या होता है गाइज, लोडर से आप लोग लेवल कर सकते हो, यानी कि बूम से तो मिट्टी को लेवल किए हो, उसके बाद लोडर को ऐसे डाल करके पीछे खींचोगे तो जो भी मिट्टी मतलब नीचे ऊपर रहेगा लोडर से बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब सेफ तरीके से अपना और लेवल कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज इसी तरीके से लोडर उठाए फिर से और आगे चलते हैं, जैसे ही आगे चलोगे उसके बाद फिर से क्या करना है गाइज, यहाँ पे लोडर लगा देना है और इसी तरीके से हल्का हल्का दबा करके लोडर को इसी तरीके से लेवल करना है। तो गाइज जैसा कि मैं बता दूँ इस लोडर में दांत ता नहीं है तो और अच्छा तरीक़ा से हो रहा है, और हर जगह लोडर का मशीन में दांत रहता है तो वहाँ पर इस तरीके से मतलब नहीं किया जाता है, उसका और प्रोसेस है। तो और मैं बताऊंगा, यहाँ पे फ़िलहाल मैं लोडर का लेवल के बारे में बता रहा हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसी तरीके से कहीं पे अगर काम करने के लिए जाएं तो इसी तरह। तो जैसा ही गाइज अभी मैं आप लोगों से शेयर किया हूँ कि किस तरीके से कुर्सी को भरना चाहिए, जो भी घर का जो फाउंडेशन रहता है वहाँ पर काम करना रहता है, कैसे कुर्सी में मिट्टी डालना चाहिए, इसके बारे में मैं बताया हूँ। और उसके बाद मैं एक चीज़ और मैं बताया हूँ, कहीं पर अगर
बड़ा सा अगर कंपनी बनता रहता है या बड़े बड़े कोई सा फाउंडेशन का काम रहता है, जैसा मैं आपको बता दूं कि कहीं पे ज़्यादा ज़्यादा पिलर रहता है, वहाँ पे किस तरीके से मिट्टी को लेवल करना चाहिए। अक्सर जो नए ऑपरेटर है, जो नए हेल्पर भाई है, अक्सर ऐसे ऐसे कामों में फेल हो जाता है। यह वीडियो डालने का मतलब यही होता है कि यह वीडियो से आप लोगों का एक्सपेरिमेंट फुल नॉलेज मिलेगा। तो गाइज यहाँ तक अपना वीडियो था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।